ओम महालक्ष्मी नमो नमः। शनिवार के दिन जरूर करें ये उपाय, मिलती है हनुमान जी की कृपा और चमकता है भाग्य। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का हर वार किसी न किसी देवी देवता की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। शनिवार के दिन भगवान हनुमान और कर्मफल दाता भगवान शनिदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है शनिवार के दिन बजरंग बली और शनिदेव की पूजा करने पर सभी तरह की मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। राम भक्त हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता है और इनकी पूजा आराधना बहुत ही सरल मानी गई है। हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता है। यह अपने भक्तों की मुश्किलों का समाधान जल्द से जल्द करते हैं। आइए जानते हैं शनिवार के दिन किस पूजा से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनकी आराधना के लिए सुंदर कांड का पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है। शास्त्रों में मान्यता है जो भी मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करता है उसको सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के नियमित पाठ करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। हनुमान जी प्रभु राम के अनन्य भक्त है। अगर आप हनुमान जी को जल्द से जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं और हर तरह की मुश्किलों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से राम नाम का जप करना चाहिए। जो भक्त मंगलवार और शनिवार के दिन राम नाम का जाप करते हैं उसे हनुमंत कृपा अवश्य मिलती है। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण विकसित होते हैं। हर तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे आसान उपाय होता है उन्हें हर मंगलवार और शनिवार को पान, तुलसी दल और बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर उन्हें तुलसी की माला अर्पित करने से व्यक्ति को धन लाभ प्राप्त होता है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। धन्यवाद।